नमस्कार साथियों, जेपी अमानत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे में अभी हम मौजूद हैं महसी प्रखंड मुख्यालय में और हमारे साथ एक प्रत्याशी है जो नामांकन देकर बाहर निकली है। अभी हम उनसे जानेंगे कि ये कौन से पंचायत से नामांकन देकर निकली है और इनका नाम क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन से पंचायत से आप नामांकन देकर निकली है और आपका नाम क्या है? अभी बोलिए ना। पच्चीस पंचायत से अर्चना कुमारी नामांकन देकर निकली है और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थक का पूरा अंदर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। क्या जनता का आप ने अभी तक क्या सेवा की है कि आपका एकदम जनता देख रहा पूरा जोश में है? अगर आपको जनता आशीर्वाद देगी तो आप पंचायत में किस तरह का विकास कीजिएगा? चौमुखी विकास होगा, जो जनता चाहेगा उसको वही होगा। अर्चना देवी कहा कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम चौमुखी विकास करेंगे। ऐसे में एक प्रत्याशी और है हमारे साथ, समिति प्रत्याशी जो नामांकन देकर निकली है, ये भी है तिलवा पश्चिमी पंचायत से। आज हम उनसे भी जानेंगे कि क्या इनका नाम है और चुनावी रणनीति क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप पंचायत समिति के लिए नामांकन देकर आई है और ऐसे में आपका जो समर्थन है वो काफी एकदम जोश देख रहे हैं। क्या इनका कहना है कि जनता हमारा साथ है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देगी तो आप पंचायत में किस तरह का विकास कीजिएगा? तो इनका भी कहना है कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम चौमुखी विकास करेंगे। तो ये थे हमारे तिलवा पश्चिमी के अर्चना कुमारी जो मुखिया प्रत्याशी से नामांकन देकर आई है और पंचायत समिति से गुलशन रोशन आरा जो नामांकन देकर निकली है। तो दोनों प्रत्याशी का कहना है कि अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो हम चौमुखी विकास करेंगे। आप देखते रहिए देसी अमानत न्यूज। बहुत बहुत थैंक यू।